हेलो जी, सत श्री अकाल, सलाम आदाब नमस्कार जी सारियां नूं। पिंड पंजाब दे चैनल ते तुहाडा स्वागत है। हुण टाइम है जिहड़ा जी ईवनिंग ते असीं आए हुए सी सैर करन इधर खेत वल नूं, ते इत्थे ना जीरी बीजी जा रही है। जीरी जाणी कि झोना लाया जा रहा है। इह जीरी दी जिहड़ी बिजाई है इह सुक्के वाहण दे विच हो रही है। मनवीर ने जिहड़ी वीडियो शूट कर ली है, क्योंकि जी खेत वाले कहिंदे तुसीं विखाओ वीडियो। चलो जी आपां तुहाडे नाल वीडियो शेयर करदे हां। यह ना दो दिन हो गए थे ट्रैक्टर चलते हुए। पहला यह वाहन है बिल्कुल तैयार किया गया, जिहड़ा खेत है यह जीरी बीजण वास्ते पद्धरा किया गया। ये कंप्यूटर करा लगा के इन तैयार किया गया गा। ये देखो हुण जिहड़ी यह मशीन दे नाल जीरी बीजी जा रही है। जिस तरह कणक बीजदे हुंदे ने उस तरह बीजी जाती है। ये बारे मैनूं ज़्यादा नॉलेज नहीं हैगी जी, इहदे विच किन्ना बीज पैंदा जां किवें भी, इस करके मैनूं बस ये जीरी बीज रहे सी। मैं तुहानूं वीडियो दिखा दिंदी हैगी, क्योंकि ये बारे मैंने परफेक्ट नॉलेज नहीं, फिर नॉलेज तो बिना आपको दसना भी औखा हो जाता है। तुम देखो इस तरह जीरी बीजी जा रही है। लो जी आप थानू वीडियो दिखा रहे हैं। इस तरह यह जी जीरी हैगी जड़ी के झोना गा, वो बिजाई की जाती सुकी बिजाई। बस इस तरह जो तो यह सारी जीरी है जी बीजी गई, उस तो बाद पानी छड़िया जाऊगा। जिस तरह अपने कणक का घेरा हों, घेरे के नाल अपनी कणक की बिजाई की जाती है। जीरी की बिजाई बस इस तरह ही हैगी। जो उधरों सिरे तो चला गया ट्रैक्टर, वट को फिर वापस मोड़ लैणगे। ये घेरे के नाल नहीं जीरी की जी बिजाई है की जाती। देखो तुसी इस तरह यदि जी जीरी है झोना गा, यदि बिजाई हो रही है सुके दे विच। बस जदों भी फिर मोटर की लाइट आऊगा, अज रात नूं आऊगी पिछ मंगरी, ये फिर पानी ला दिता जाऊगा इनू, ते नाल ही बट्टा पाइया जाणगियां। सूरज है जिहड़ा जी छिपण वाला हैगा। ये अमन ते प्रभ खड़े ने, इधर मास्टर जी उरे खड़े ने सारे। ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵੀ
इत्थे सारे इकट्ठे हो के खड़े ने जी ते कुछ गल्लां बातां कर रहे ने। आपां इक दिन तुहानूं वीडियो विखाई सी वी वेरां वाली वी आपां चोरी दे वेरां वाली आपां गल दसी थी सो तुहानूं वो इन्हां दी ही वेरी सी वो उस दीआं गल्लां करदे नी बहुत सारे वेर लगे हुए ने। तो जिहड़ी हवा हैगी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है हुण अज सवेर दी हवा छड्डी हुई हैगी अज ठंड करके असीं जल्दी आ गए उंज सानूं आउंदिआं नूं जी खेत 7 वज जांदे ने 7 वजे 5-7 मिनट रहिंदे हुंदे ने जदों आउंदे ने अज असीं ठंड करके 6:18 हुए सी असीं आ गए सी। ये देखो इधर असीं ये राउंड ला रहे हैं बच्चे इधर वीडियो शूट कर रहे ने नाले खेड रहे ने सारे इकट्ठे हो के। ये वेखो रिपन दियाँ शरारतां सारा दिन शरारतां करता रहिंदा है। मनवीर का बहुत ज़्यादा साह चढ़िया होया क्योंकि वीडियो शूट कर रही सी भज भज के नाल रल रही है इन्हां दे। ईवनिंग टाइम असी काफ़ी ज़्यादा राउंड ला दें जी इत्थे तुरे फिरदे नेड़े नेड़े बस ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं इत्थे तक ही बहुत वधिया लगता अज तां वैसे भी ठंड हैगी। देखो जिहड़ा सूरज है वो डुबण वाला है असी अगे तक राउंड लावांगे मैं ते सुखवीर सामने सड़क उत्थों वापस आवांगे ते बच्चे पंजे इत्थे बैठणगे ते कुछ टाइम खेडणगे मस्ती करनगे ते भज रहे ने ते कुश्ती भी करदे ने क्योंकि जी वाहन वेले ने इस टाइम इन्हां दा मस्ती दा टाइम हुंदा फिर ये 1.5 घंटा 1 घंटा पूरा खेडदे ने मिट्टी दे विच बस फिर शाम नूं नहा लैंदे ने। ये अपनी वीडियो शूट भी करदे ने क्योंकि ये टिकटॉक दे उपर वीडियो पाउंदे ने बस वो टिकटॉक इन्हां दा ही है। टिकटॉक दे अपने जिहड़ा वो हैगा उहदा नाम भी पिंड पंजाब दी की चैनल बोलदे ने कि ना मैनूं ज़्यादा इहदे बारे इन्नी नॉलेज नहीं हैगी क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहिंदी जी टिकटॉक ते इन्ना नहीं टाइम हुंदा बस बच्चे उहदे उपर कोई ना कोई वीडियो शूट करके पा देंदे ने। ये जिहड़ी वीडियो रिपन ते गुरलीन दी टिकटॉक दे उपर आऊगी ये तैयार कर रहे ने ते इधर बिजाई भी है जिहड़ी तकरीबन कंप्लीट हो गई सारी जिहड़ा ये खेत आ सारा बीज दित्ता है जी बस असीं राउंड ला के आ गए जी बच्चों ने सानू नहीं जान दिता इत्थे बिठा लिया कहिंदे अजे घर नहीं आंदे आपां ठहर के जावांगे अजे दिन नहीं छिपिया क्योंकि अज असीं जल्दी आ गए सी। ये कुछ खेड रहे ने इत्थे ते मनवीर ते प्रभ भंगड़े की प्रैक्टिस कर रही ने अपनी बस थोड़ा मोटा ही भंगड़ा सीखदियां ने ते सानू इत्थे बिठा लिया इन्हां ने। ये देखो जी बलद वाला रेड़ा रेड़ा की बोलदे रेड़ा बोलदे अस तां इहनूं ये जिहड़ा कखां दा टोका करके लिजाया जा रहा ये है जी अपना असली पंजाब पंजाब की सोहनी धरती सोहनी मिट्टी सोहना बाणी सोहने खेत पंजाब दे बस थोड़े टाइम तक जिहड़े ये वाहन बाहे हुए ने हरियाली चमकन लग जानी है फिर ये जीरी लग जानी है जी ऐतकी ज़्यादा जिहड़ी सुक्की जीरी की बिजाई हो रही है। एक दो मैनूं व्यूवर के कमेंट भी आए ने कहिंदे जी असीं झोना जिहड़ा बीज दित्ता हैगा ऐतकी सुक्की जीरी ज़्यादा लगाई जा रही है जी कुछ तो जी लेबर की प्रॉब्लम आऊगी कुछ जिहड़े पंजाबी वीर ने मेरे एक्सपैरीमेंट करके देखते हैं भी ये कितनी सफल होंगी है कितनी ना। देखो जी सूरज है जिहड़ा छिपण वाला डुबण वाला सवेरे सूरज जो चढ़ता है तो शाम को जो छिपता है ना बहुत वधिया लगता है। लो जी तुहानू इधर मोटर दिखा दिंदे आंगे ये भी साडी ही मोटर है मास्टर जी दे चाचा जी की मोटर हैगी है असीं इत्थों ही वापस आ जाने इधर असीं कदे नहीं आए हैगे इधर पही नहीं पाए मोटर वाली बस सामने ही राउंड ला के सीधी पही हुई वापस चले जाने मैनूं नहीं पता आप इधर कित्थे की कुछ हैगा
ये मनवीर ने वीडियो शूट कर ली है मोटर दी। ओ नहीं खोलना, पर किन्ने किन्ने हाथ लगे होंगे। नहीं मम्मा देखो भाई कितने कितने हाथ लाई जंदिया ने, उन्हें मुंह ते लाऊंगी तुसे किसे होर ते लाऊंगी। आ ਇਹ ਮਨਵੀਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਠੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਗੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਅਚਾਨਕ ਵੇਰਜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮਨਵੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਨਾ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਲੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨਵੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਮੰਮਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈਗੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ 2-4 ਬੱਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਰਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਕੂ ਮੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੱਥੇ ਮੋੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਰਬੂਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਖਰਬੂਜੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਰਬੂਜ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਹਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਰਬੂਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਇਸ ਸਾਲ। ਗੁਰਲੀਨ ਖਰਬੂਜੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਖਰਬੂਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੈਂ ਖਰਬੂਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣਗੇ 2 ਵੀ। ਖਰਬੂਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 2 ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਆ ਦੂਜਾ ਦੇਖ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਚਾ, ਚੱਲ ਦੇਖ ਲੈ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੋੜ ਲੈ, ਹੋਰ ਭਾਲ ਲੈ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੀ ਹੋਊ ਹੁਣ। ਤਰਬੂਜੇ ਲੈ ਲਓ, ਤਰਬੂਜ ਕੋਲ ਖਾਂਦਾ ਨੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੀਏ
ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਖਰਬੂਜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕੁੱਪ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ।